हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी अमजद भाई और नदीम भाई के साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज से तकरीबन साल भर पहले वीडियो बनाया था आपके यहाँ दुम्बो का। जी जी। और माशाल्लाह बहुत भारी और अच्छा कलेक्शन दिखाया था आपने। जी जी। तो अभी वो दुम्बे जो है दुम्बिया थी उनमें ब्रीडिंग कुछ चेंजेस हुआ है माशाल्लाह। क्या क्या मेल चेंज किए हैं अपन ने? जी अभी नए बच्चे डाले हैं, दो दो दांत के। ठीक है, तो ये चेंजेस करने में कुछ फर्क दिखा आपको? हाँ, चेंजेस करना पड़ता है क्योंकि ये ब्लड लाइन का चक्कर हो जाता है, तो इनब्रीडिंग नहीं हो इसलिए ब्लड लाइन चेंज करके मेल को चेंज करना होता है। तो अभी कितने जानवर हैं अपने पास टोटल? अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मान के चले 100 के आसपास हैं। 100 के आसपास दुम्बे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है। जो पब्लिक ने पहले वीडियो नहीं देखा था चाहे तो वो लोग पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। जी जी। और नदीम भाई, सॉरी अमजद भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप तो आते जाते रहते हैं। जी, जो पहले वीडियो बनाया था जब से अभी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले आपको? चेंज तो बहुत सारी चीजें हो गई, हमारा जी भी चेंज हो गया, हमारा अमजद भाई भी चेंज हो गए। सही बात, एज बढ़ती गई। अच्छी चीज जैसे कुछ 19-20 लगता है इनको, जैसे समझ लो नर अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं, तो चेंज कर देते हैं या हटा देते हैं, फिर नया तो नदीम भाई में ब्लड लाइन का भी बड़ा चक्कर है, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसको मेंटेन करना पड़ता है। इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, मेन बात यह है। इनब्रीडिंग में मतलब जो मेल है उसकी बच्चियां उससे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अच्छा। नई ब्लड लाइन से ही क्रॉस होंगी तो इसलिए चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी नदीम भाई के यहाँ का दुम्बा अपने तोसी भाई जन अजमेर वाले। जी जी। उनके यहाँ पे एक वीडियो में देखा होगा आपने। जी अपने यहाँ का ही था, माशाल्लाह बहुत बड़ा दुम्बा था। जी हाँ। भाई के यहाँ का ही था माशाल्लाह, ये मान के चलो। और अभी जो भी चीज आपको दिखाएंगे ये तो एक से एक चीज नायाब, छोटे से लेके बच्चा तक, और बच्चे ऑलरेडी एडवांस बुकिंग रहती है। वो तो लास्ट टाइम भी आपने बोला था कि पैदा होने से पहले ही बच्चे लिए, बड़ी बच्चे बुक हो जाते हैं। जी भाई साहब, जी जोड़ जोड़ के बच्चे लिए दो माशाल्लाह। हमारे नाजिम भाई को मना कर दिया इन्होंने बच्चा देने के लिए, नाजिम तो अगला देते ही नहीं है। तो सही है ना, ब्रीडिंग सेटअप है तो मादा तो देंगे यार, साल और बाद लेना। सही बात। शादाब भाई क्या है, ऑलरेडी मेरे पास में एडवांस बुकिंग इतनी पड़ी है बच्चों की, तो पहले उनको जिनका ऑर्डर है उनको ही पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, बाद में दूसरे को। सही बात। भाई ने एक जने का सेटअप ऑर्डर डलवाया, उनके खास दोस्त मेरे बड़े भाई नाजिम भाई का भी, उन्होंने भी सेटअप डाला है। उन्होंने इनको राय दी थी और उन्होंने भी माशाल्लाह इनके हाथ के नीचे से जानवर जा रहे हैं, ये डलवा रहे हैं वहाँ पे भी आमेर के अंदर। तो ये माशाल्लाह ये पूरी अच्छी अच्छी चीज डलवा रहे हैं। ठीक है नाजिम भाई अजमेर में। तो अभी बिना देर करे हुए आप दिखाएं हमें दुम्बे। ये हमारे फरीद भाई संभालते हैं, सुबह जा रहे हैं, निकालते हैं। चलो अच्छा, आप आ जाओ। माशाल्लाह सब। तो नदीम भाई इसमें अभी दुम्बियां कितनी हैं अपने सब पास? दुम्बियां हैं भाई। और मेल? मेल इसमें दो छोड़े हुए हैं, वो अभी दिखाते हैं आपको माशाल्लाह। बाकी तो सब फीमेल हैं ये। और ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो माल था उनसे सब चेंज ही दिख रहा है ये। उनसे बहुत कुछ चेंज हो गया, कुछ बच्चियां जो थी अपने घर की वो रोक के उनको बड़ी कर ली। अच्छा। और कुछ मेल इसमें चेंज किए। जी जी। कुछ फीमेल नहीं बाहर से भी खरीदी, जो अभी अच्छी नस्ल की फीमेल्स मिल जाती है वो ले लेते हैं अलग क्रम से। एक चीज पूछनी थी, वो आप उनसे पूछो, जैसे कुंडली जो हो जाती है इनके इनके या इनके बदन पे, हाँ कैसे सही होती है? हाँ बता दें उसका भी इलाज। भाई ये स्किन डिजीज है, ये मोस्टली दुम्बों में आती है, भेड़ नस्ल में आती है, क्योंकि ये बदन क्या रहती है वजह ये रहती है, इनका पसीना बहुत आता है इनको गर्मी का टाइम पे, जब इनके बाल बढ़ जाते हैं तो पसीना आता है, पसीने के कारण से ये स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, अभी ट्रीटमेंट किया हुआ है, कम से कम 1 महीना 15 दिन से 1 महीना के बीच में ये वापस खत्म हो जाती है। अच्छा। हाँ, सबका इंजेक्शन लगता है जी, स्किन में इंजेक्शन लगता है हाईटेक का, वो लगा दो 1 ml, तो 15 दिन से लेके और 1 महीना के बीच में
खत्म हो जाती है। अच्छा, तो वो सारी जो भी प्रॉब्लम रहती है स्किन की वो सब करी उससे हो जाती है। हाईटेक से भाई इसके हो रही है ये, अब इसका इंजेक्शन लगा हुआ है इसके, अब धीरे 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 कम हो जाएगा ये। अच्छा, ये मेल है ये, तो ये प्रॉब्लम सर्दियों में तो आती नहीं होगी? सर्दियों में कम आती है, गर्मी में ज्यादा आती है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया जो है कलेक्शन है। और ये शाम के टाइम में आप इनको फीड देते हैं क्या? सुबह भी फीड देते हैं, शाम को भी देते हैं भाई, दो टाइम चलती है, दो टाइम चलता है। ओके, तो अभी बच्चे भी होंगे इनके अपने? बच्चे अभी नहीं है, अभी ब्रीडिंग सीजन नहीं है, ब्रीडिंग सीजन नवंबर से स्टार्ट होगा। ओके, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना ब्रीडिंग सीजन रहेगा, अभी सब लोडेड फीमेल है। तो इनमें बकरा बकरियों की तरह नहीं होता कभी भी लोड करा दो? नहीं 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 नहीं, वैसे तो ये नेचुरली अपने आप ही हो जाती है, लेकिन अभी क्या है हमारे यहाँ तो सीजन से रहता है, एक गर्मी में सीजन आता है बच्चों का, एक एक सर्दी में आता है। तो साल में दो बार जो है आप ब्रीड ले लेते हैं? दो बार माशाल्लाह आ जाते हैं। माशाल्लाह, और इनके बच्चे भी अपन ने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था काफी थोड़े एक्सपेंसिव ही रहते हैं अगर बकरे से कंपेयर करो तो। जी जी, 50,000 के ऊपर तो मिनिमम रहता ही होगा बच्चा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस रेट से ऊपर ही जा रहा है अभी बच्चा, ऊपर ही जा रहा है। क्योंकि क्या है ब्रीडिंग सेटअप जो है बहुत कम है दुम्बो के, और महंगी ब्रीड है तो हर कोई लेके सेटअप एकदम डाल भी नहीं सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल, तो वही बात है। अच्छा, इन्होंने ब्लैक भी डाली है इसके अंदर? हाँ, जी ब्लैक है और ये ब्राउन व्हाइट है, ब्राउन व्हाइट भी अभी चेंज की है, ये ब्लैक है। ब्लैक बहुत अच्छी ब्लड लाइन की फीमेल है ये, इसको थोड़ा आप निकाल के दिखाएं इस तरफ। मैं दिखाता हूँ, ये तो थोड़ा रेयर ही हो गई फुल ब्लैक के अंदर। फुल ब्लैक है, स्पॉटलेस ब्लैक है जी। बस ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो फीमेल है इसकी चरखी हमेशा थोड़ी छोटी रहती है, थोड़ी छोटी रहती है, मेल से थोड़ी कम ही रहेगी, मेल से कम रहती है। और जो इनका मेल होता है मान लो एडल्ट मेल हो गया 4-6 दांत का, वो कितने केजी तक की उसकी चरखी हो जाती होगी? उसकी मतलब ये समझो मेल का वेट मेरे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अलग, उसको अगर फीड डाइट देते हैं हम तो 130-140 किलो तक हो जाता है माशाल्लाह, 2 दांत 4 दांत पे, 2 दांत 4 दांत जी। और अगर उसको रोका जाए थोड़ा तो उम्मीद और पड़ने की? हाँ, और दूसरी जगह जहाँ फार्मों में हम देते हैं मेल तो वहाँ पे अल्लाह के करम से 150 किलो प्लस गए हैं। 150 किलो प्लस भी चला जाता है? सेल्फ फीडिंग पे होते हैं। अच्छा, इसको कोई हाँ हाथ से भराई वगैरह कुछ नहीं देनी होती। ये अदंत बच्चा है एक हमारा अभी, ये ब्रीडिंग के लिए मेल है ये। अच्छा, ये अदंत है माशाल्लाह। अभी कितने महीने का होगा नदीम भाई? ये बच्चा है करीब करीब 13 महीने का, 12-13 महीने का माशाल्लाह। और ब्रीडिंग कर रहा है अभी? ये ब्रीडिंग अभी स्टार्ट होगा, इससे अभी ब्रीड लिया नहीं है। अच्छा, अब ये इसको ब्रीडिंग के लिए ही रोका है। और दूसरा मेल कौन सा है अपना? और मेल दिखाता हूँ मैं आपको, एक लास्ट टाइम बहुत एग्रेसिव मेल था, मार रहा था वो, इसीलिए वो भी है लेकिन उसका लाइन चेंज कर दिया। अच्छा, अब ये उसका बेटा है। उसका बेटा लास्ट टाइम नहीं था ये ना? ये लास्ट टाइम नहीं था, लास्ट टाइम छोटा था ये, बहुत बच्चा ही होगा उस टाइम तो। हाँ, ये अब उसका बेटा है। ठीक है नदीम भाई, तो ये जितनी भी फीमेल्स हैं अपने पास इसमें से अभी कोई भी फोर सेल के लिए तो नहीं? फोर सेल के लिए नहीं है भाई, क्योंकि आप तो खुद शौक भी कर रहे हैं उसके साथ ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए अदंत फीमेल हैं ये दोनों। अच्छा, ये पास में खड़ी हैं दोनों। ये दोनों अदंत हैं जी जी, ये वाली जी जी, और ये दो दांत पे फीमेल है अभी माशाल्लाह। ये देखिए फीमेल सर, दुम्बे और हमारे यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलते हैं अमजद भाई, अब एक साथ इतनी क्वांटिटी पे माशाल्लाह इतना अच्छा माल बहुत कमी से देखने को मिलता है। और उसके बाद भाई ने मेंटेन इतना बढ़िया किया हुआ है कि तो आपको खुद ही टाइम देना पड़ता होगा ना दीम भाई? मेरे को भी देना पड़ता है और हमारे ये फरीद भाई हैं ये संभालते हैं यहाँ पे, ये भी टाइम देते हैं, हम भी टाइम दोनों ही। तो आपका जो मेन बिजनेस होगा उससे हटके भी? बिल्कुल हटके है, मेरा मेन बिजनेस स्टोन्स का है जी जी, तो सुबह शाम मैं इसमें थोड़ा सा टाइम देता हूँ। कितना टाइम देते हैं आप खुद भाई? माने कम से कम 1 घंटा तो सुबह, 1 घंटा 2 घंटा शाम को। बाकी ये भाई कब तक रहते हैं? बाकी ये सुबह भी 2-3 घंटे सुबह रहते हैं और शाम को 3 घंटे समथिंग शाम को संभालते हैं माशाल्लाह। तो तब जाके जो है पूरा सेटअप संभाला जा रहा है, आदमी को थोड़ा सा आसान लगता है कि भाई पाल लूंगा उनसे ब्रीड करा लूंगा, लेकिन ब्रीडर हर कोई बन नहीं सकता, बहुत मुश्किल का काम है ये, बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है भाई, तो अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सर्दियों में भी एक बार विजिट करें आप, तब आपको बच्चे दिखेंगे इंशाल्लाह, ब्रीडिंग सीजन में दिखेंगे तो ज्यादा और मजा आएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।